जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। दोस्तों, जीवन में यदि आपको कई बार ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, जैसे कि आपकी इनकम का जरिया अचानक चला जाता है, अचानक किसी अनिष्ट की आशंका से मन घिर जाता है, एक कारण ही बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है और कभी कभी कोई अनजाना भय सताता रहता है, अचानक याददाश्त कम होने लगती है और कभी कभी मन में दुनिया छोड़ देने जैसे विचार आने लगते हैं। यदि आपके साथ कुछ ऐसा ही होता है तो यह चंद्र दोष हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो यह सब आपके मन के अनियंत्रित हो जाने के कारण हो सकता है। और दोस्तों, मन को प्रभावित करता है चंद्रमा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा ही कुछ घटित हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो सकता है या फिर आप चंद्र दोष के शिकार हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि चंद्र दोष क्या होता है और इसे कैसे दूर कर सकते हैं, इसे दूर करने के लिए आप खुद क्या उपाय कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए, कहीं ना कहीं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं चंद्र दोष के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्र दोष किसे कहते हैं या फिर चंद्र दोष क्या है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा के साथ राहु की युक्ति हो रही हो तो ऐसी कुंडली चंद्र दोष की ओर इंगित करती है। यदि मैं इसे सरल भाषा में कहूं तो जब आपकी कुंडली में जिस घर में चंद्र यानी कि चंद्रमा है, ठीक उसी घर में चंद्रमा के साथ यदि राहु भी मौजूद है तो यही स्थिति चंद्र दोष की स्थिति कहलाती है। तो इसे आप खुद भी अपनी कुंडली में देखकर समझ सकते हैं। और दोस्तों, इसी स्थिति को चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है, यानी कि आपकी कुंडली के चंद्रमा को ग्रहण लग गया है या आपकी कुंडली का चंद्रमा पीड़ित हो गया है। अब चूंकि चंद्रमा किसी भी व्यक्ति के मन का कारक माना जाता है तो यही चंद्रमा आपके मन को कंट्रोल भी करता है। और जब यह चंद्रमा राहु के साथ बैठ जाता है या फिर चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाता है तो यह आपको परेशान करने लगता है, आपके मन में विकार पैदा होने लगते हैं, आपके मन में अजीब अजीब से ख्यालात आने लगते हैं। इसके अलावा जब चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो तब भी चंद्र दोष हो सकता है। और हाँ, ना केवल राहु बल्कि चंद्रमा यदि केतु के साथ युक्ति कर रहा हो तब भी इसे चंद्र दोष ही माना जाता है। और हाँ, चंद्रमा यदि नीच राशि का हो या फिर किसी नीच ग्रह, अशुभ ग्रह या फिर पापी ग्रह के साथ हो तब भी चंद्र दोष माना जाता है। इसके अलावा जब राहु और केतु के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब भी चंद्र दोष की स्थिति बनती है। चंद्रमा पर जब किसी क्रूर दुष्ट ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तब भी चंद्र दोष प्रकट होते हैं। और हाँ, जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ हो यानी अमावस्या की स्थिति बन रही हो तब भी चंद्र दोष बन ही जाता है। चंद्रमा के द्वितीय और द्वादश स्थान पर सूर्य, राहु और केतु के अलावा कोई भी ग्रह ना हो तो यह भी चंद्रमा को सीधे सीधे तौर पर पीड़ित कर सकता है। तो दोस्तों, जब इतने तरीकों से चंद्रमा पीड़ित हो सकता है, इतने तरीकों से चंद्र दोष बन सकता है तो क्या यह हमेशा हमें परेशान करेगा? क्योंकि जब इतने तरीकों से चंद्रमा को दोष लग सकता है तो जाने अनजाने में हर कोई व्यक्ति किसी न किसी तरह से चंद्र दोष से पीड़ित हो ही जाता है। और पीड़ित होने के बाद से ही जातक के जीवन में उथल फुथल मचने लगती है और वह अचानक किसी अनिष्ट की आशंका से घिरने लगता है, वह आशंकित रहने लगता है, भयभीत हो जाता है। लगातार होने वाली हानियों से, लगातार होने वाले नुकसान से डिप्रेशन में चला जाता है, तनाव में आ जाता है और उससे उसके पारिवारिक जीवन में भी असंतोष भरने लगता है, उसका पारिवारिक जीवन भी अव्यवस्थित होने लगता है। और दोस्तों, चंद्र दोषों के कारण यह भी देखा गया है कि कई बार तो जीवन साथी के साथ मतभेद इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि
अलगाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है और इसीलिए चंद्र दोषों से बचाव के उपाय अवश्य करने चाहिए। विभिन्न ज्योतिष विद्वानों के द्वारा इसके लिए अनेक उपाय तैयार किए गए हैं जो काफ़ी आजमाए हुए हैं, सटीक हैं। तो आइए जानते हैं कुछ सटीक उपायों के बारे में जो चंद्र दोषों को काफ़ी हद तक दूर करने में सहायता करते हैं। दोस्तों, चंद्र दोषों को दूर करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं जो कि इस प्रकार हैं। जो व्यक्ति, जो जातक चंद्र दोष से पीड़ित हैं, उसे चंद्रमा के अधिपति देव यानी कि भगवान शिव शंकर की नित्य नियम से पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र के जाप के साथ साथ शिव कवच का पाठ चंद्रमा के दोषों को दूर करने में काफी सहायक माना गया है। चंद्रमा का प्रत्याधि देव जल को माना जाता है और जल तत्व के स्वामी श्री भगवान गणेश हैं और इसीलिए श्री गणेश की उपासना करके भी चंद्र दोषों को दूर किया जाता है। खासकर जब चंद्रमा और केतु साथ साथ युक्ति कर रहे हो तब श्री गणेश की उपासना एक रामबाण उपाय माना जाता है। तो यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ केतु बैठा हुआ है तो आपको श्री गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और दोस्तों, चंद्रमा को मजबूती प्रदान करने के लिए आप चांदी की अंगूठी में मोती या फिर मून स्टोन भी धारण कर सकते हैं। मून स्टोन आप अपने स्थानीय बाजार से खरीद सकते हैं या फिर अब आप इसे ऑनलाइन बाजार से घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप ऑनलाइन बाजार से इसे खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपके सुलभ उपयोग के लिए छोड़ रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं और वहाँ से मून स्टोन या मोती वाली अंगूठी भी खरीद सकते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, चंद्र दोष है, उन्हें काले और लाल रंग का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए या फिर कम से कम इनका उपयोग करना चाहिए। ऐसे लोग जो चंद्र दोष से पीड़ित हैं, जिन्हें चंद्रमा पीड़ित कर रहा है, उन्हें कमल, चंदन या फिर चमेली के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। माना जाता है कि कमल, चंदन और चमेली के इत्र के प्रयोग से चंद्रमा प्रसन्न होता है। चंद्र दोषों को दूर करने के लिए आप कुछ योग प्राणायाम भी कर सकते हैं, जैसे कि भ्रामरी, वज्रासन इत्यादि आपको अवश्य करने चाहिए। और दोस्तों, घर में रोजाना धूप अवश्य करनी चाहिए, कपूर जलाकर आप घर में धूप कर सकते हैं। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ, गौरी, काली, ललिता और भैरव की उपासना भी चंद्र दोषों में राहत प्रदान करती है। लेकिन दोस्तों, यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी पूजा तभी फलदायी होती है जब उसे विधिवत रूप से किया जाए, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इन उपायों को करके आप चंद्र दोषों से काफ़ी हद तक मुक्त हो सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर अवश्य क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा दोस्तों, सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स की जानकारी यूट्यूब के द्वारा तुरंत दी जाती है और आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं हैं और ऐसे उपयोगी वीडियो आपको लगातार मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार तुरंत मिलती रहती है। तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन पर अवश्य क्लिक कीजिए, क्योंकि आप घंटी के बटन पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपको फिर YouTube नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो घंटी के बटन पर अवश्य क्लिक कीजिए। घंटी के बटन पर क्लिक करने के बाद आपका सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाता है। जिन लोगों को यह भ्रांति है कि सब्सक्राइब करने पर कुछ पैसा कट जाता है, पैसा लग जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, केवल आपको नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करना होता है। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।